अपने पशुओं की अड्डे के लिए आप मेडिया इस्तेमाल कराएं। सभी साथियों को नमस्कार भाई, अभी आप लोगों से मिलवाएंगे डाक साहब से, खुद डाक साहब ही अपना नाम बताएंगे और इनकी कंपनी का नाम बताएंगे और जो प्रोडक्ट इन्होंने आप लोगों को दिखाएंगे उसके बारे में भी बताएंगे कि इनके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खूबी है जो पशुपालक इनका प्रोडक्ट यूज करें। नमस्कार डाक साहब। नमस्कार जी। डाक साहब एक बार पशुपालक भाइयों को आपका नाम बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, सारे पशुपालक भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम तपेश है और मैं वेट मेडिकेयर कंपनी से हूँ। अच्छा जी। तो अपनी कंपनी के वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अच्छा जी। तो दी बेस्ट जो प्रोडक्ट हमारा है ये एच है। इसके बारे में थोड़ा सा पशुपालक साथियों को विद डिटेल से बताएं। ये तो सर एच है, इसको इसका नाम है मेडी एच के नाम से है। इसमें ये पशु की लेवटी जी बनाने के लिए जी, और इस तरह जिस पशु को मान लो दूध बढ़ाने के लिए जी, दूध बढ़ाने के लिए और शाइनिंग के लिए जी, खासकर जिस पशु में शाइनिंग के लिए, दूध बढ़ाने के लिए और ज़बरदस्त लेवटी बनाने के लिए जी, इसके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हमारे जी। इसमें हमने कम से कम 2000 IU विटामिन डाल रखे हैं जी, और आप विटामिन सी है इसमें जी, जिंक है जी, कोबाल्ट है जी। तो आप, मैं ये कहूँगा कि आप बाकी एचों को छोड़ के इस एच को एक बार प्रयोग करें जी, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही रिस्पॉन्स अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे जी। अच्छा सर, ये फिर इसका मतलब दूध बढ़ाने के लिए तो फिर ये पशु के जो ब्याने का टाइम होता है उस टाइम दी जाती है? हाँ, इसको ब्याने से कम एक महीना पहले आप दिलाओ पशु को जी, पशु की अच्छी लेवटी बनेगी, अडर जिसको अडर कहते हैं जी, बहुत अच्छा अडर आएगा और पशु को बहुत ही अच्छी शाइनिंग भी बहुत ही अच्छी मिले आएगी जी। और जो पशु को या कटड़ा या कटड़ी, बछड़ा या बछड़ी जो भी होगा जी, बहुत ही हष्टपुष्ट होगा जी। और आने वाली वो जिस तरह 20 से 25 दिन या एक महीने के बाद नए दूध होने में बहुत ही वो मतलब जो पशु है वो गर्भधारण जल्दी कर लेगा ना। आजकल एक बहुत ही खास बीमारी चली हुई है पशुओं में, रिपीट ब्रीडिंग की, रिपीटर वाली। हाँ, रिपीट होते हैं पशुओं, उन पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप कम से कम 2 महीने पहले जी, या फिर दो नहीं तो 1 महीने पहले कम से कम आप इसको इस्तेमाल कराओ। ये 1 लीटर की पैकिंग है। कितनी मात्रा में दें जी? इसको आप 10 ml पर डे दो। ठीक है जी। बड़े पशु को, बड़े पशु को 10 ml पर डे दो, छोटे पशु को 5 ml। हाँ, अगर आपको पेट में दिलानी है तो पेट में दिलाओ, पेट में आप 3 ml दोगे पर डे, उसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी पेट में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे छोटे पशु को दें तो वो कितने साल का होने पे दें? उसको आप 2 से 2 महीने के बाद स्टार्ट करा दो। अच्छा, 2 महीने का हाँ, होते ही उसको स्टार्ट करा दो, उसको स्टार्ट कराओ आप 2 महीने के। हाँ, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ग्रोथ करेगा, उसकी शाइनिंग आएगी उसके अंदर बहुत ही अच्छा। इसमें टोटली सारे, ये मानो आप विटामिन हैं इसमें, 2 विटामिन हैं, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, अच्छा जी विटामिन B12 है इसमें, और विटामिन एच है, विटामिन सी है इसमें, हमने सिलीनियम डाल रखा है, कोबाल्ट डाल रखा है। ऐसा कि एच तो और कंपनियों के भी आती हैं, आपकी कंपनी का क्या ऐसा अलग है जो पशुपालक साथी यूज़ करें तो अच्छा रिजल्ट? देखो, ये एच तो बहुत ही सारी कंपनी में आती हैं, हर कंपनी मार्केट में एच लेके आई हुई है, तो उनके मुकाबले मैं ये कहूँगा दी बेस्ट, आप 99% विश्वास कर सकते हो मेडिएच पर जी। आपके पशुओं की अडर बनाने के लिए आप इस्तेमाल करो मेडिएच। ये मैं तो देखो ज़्यादा बोल कहूँगा तो आप प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल करके देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा प्रोडक्ट में कितना दम है। और हाँ, आपको अगर ये चाहिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हम पेज पे डाल देंगे, आप प्लीज़ इसको यूज करके देखो। ठीक है डॉक्टर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 999-1480-727 जी, रोहतक रेजिडेंस है मेरा और नियर बाई जीन बाईपास। आप किसी भी टाइम 24 hours कभी भी कॉल कर सकते हो। तो यही कहूँगा कि आप अपने पशुओं के अड्डे के लिए आप मेडिएच इस्तेमाल कराएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने मेडिएच के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।